थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर वर्ड थर्मल का मतलब है हीट। हीट की वजह से कोई भी मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या बिहेवियर है, ये टॉपिक आपको बताएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से है, हीट। तो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। हीट को मेजर किया जाता है CGS में कैलोरीज और SI में किसमें, जूल्स में। और एक कैलोरी में 4.186 या 4.2 जूल्स होते हैं, याद रखना है आपने, ठीक। जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के अकॉर्डिंगली, अगर कोई भी आप हीट देते हो, जैसे आप कोई भी हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो या वर्क डन को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो साथ में कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप वर्क डन करोगे उतना ही इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, या जितना आप हीट दोगे उतना ही उसमें बॉडी में वर्क डन प्रोड्यूस होगा। एक कॉन्स्टेंट लगेगा इसमें जे, जिसको जूल्स इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। पर वैसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि अगर आपको हीट 15 कैलोरी गिवन है और आपको हीट किस में ढूंढनी है, जूल में, आपको किस में कन्वर्ट करनी है, जूल में, तो आप इसे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। सिंपल है, कोई जे याद करने की जरूरत नहीं है, बस कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करना याद हो गया। उसी तरीके से अगर हीट 15 जूल है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में, आप 4.2 से डिवाइड कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा, कैलोरी में। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल, कोई डाउट इसमें, मेथड क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, काम आएगा। उसके बाद है थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो टेम्परेचर को मेजर करती है। टेम्परेचर को मेजर करने की जो टेक्निक है, जो ब्रांच सिखाती है, उसको थर्मोमीट्री बोलते हैं। तो थर्मोमीटर या थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो स्केल्स हैं कुछ जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, थर्मोमेट्रिक स्केल्स, जिसके अंदर चार किस्म के फेमस स्केल्स हैं। पहला सेल्सियस, फेरनहाइट, रोमर स्केल और केल्विन स्केल। ये चलता नहीं है, सेल्सियस, फेरनहाइट और केल्विन ही चलता है ज़्यादातर। तो अगर ये एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का ये स्टीम पॉइंट है और ये आइस पॉइंट है, तो अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है तो उसका आइस पॉइंट 0 पे होगा और स्टीम पॉइंट 100 पे होगा। फेरनहाइट उसी के इक्विवेलेंट अगर मेजर करना हो तो 32 से 212 होगा, और ऐसे अगर केल्विन करना हो तो ये 0 की जगह 273 और ये 373 होगा, ठीक हो गया। अब एक ऐसा टेम्परेचर जब सेल्सियस और फेरनहाइट सेम वैल्यू शो करते हैं, वो 40 डिग्री होता है। 40 डिग्री ऐसी वैल्यू है जिसमें सेल्सियस फेरनहाइट सेम टेम्परेचर शो करते हैं। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है केल्विन में क्या मेजर किया जाता है, 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में -273 और फेरनहाइट में -459। बस ये इसकी टेम्परेचर की वेरिएशंस हैं। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, आपको नॉर्मली ये करना आता है, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, तो आप एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कैलकुलेट करते हैं। तो इसको करने के लिए एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। क्या फॉर्मूला है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब ये क्या चीज है समझाता हूं। जैसे सपोज करो आपके पास, आप सपोज करो कि आपके पास मान लो डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में कैलकुलेशन हो रही है, तो टेम्परेचर ऑन वन स्केल TC होगा, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस। लोअर स्केल मान लो 0 है, आइस पॉइंट ले लो, और अपर पॉइंट इसमें स्टीम पॉइंट ले लो, तो स्टीम पॉइंट में अपर फिक्स पॉइंट 100 और लोअर फिक्स पॉइंट की जगह 0। ऐसे अगर फेरनहाइट है तो यहाँ पर टेम्परेचर अदर स्केल में फेरनहाइट हो जाएगा, और लोअर स्केल 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंगली फेरनहाइट क्या होता है 32 और 100 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता है 212। कन्वर्जन हो गया। ऐसे ही केल्विन स्केल देखो 273 -273। तो आपको अगर ये लग रहा है कि पेपर में आएगा कि ये टेम्परेचर अगर मेरे को केल्विन में गिवन है और मुझे डिग्री सेल्सियस में निकालना है, फॉर्मूला यूज करूंगा, आंसर आएगा, नहीं आएगा, आपको एक नए टाइप का टेम्परेचर वो थर्मोमीटर देगा कि एक एक्स टाइप का थर्मोमीटर है, उसमें टेम्परेचर बोलो क्या होगा। वो टेम्परेचर का जो स्केल है वो आपको इस फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये देखो फॉल्टी थर्मोमीटर, कह रहा है एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जी, कोई खराब सा थर्मोमीटर है,
हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एट 5 and 95. तो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितने है? 5 और अपर कितने है? 95 है. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज मेजर्ड बाई फॉल्टी थर्मोमीटर इज 59. कह रहे हैं ये जो थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर कितना मेजर करके बता रहा है? 59. आपको किसमें मेजर करना है? करेक्ट इन सेल्सियस. तो यानी कि फॉल्टी थर्मोमीटर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो रूल क्या बताया था? डिग्री सेल्सियस 0, 100 और 0 फॉल्टी के अंदर. टेम्परेचर ऑन फॉल्टी स्केल 59 है जो कि गिवन है, और लोअर फिक्स पॉइंट 5 है, अपर 95 है, लोअर 5 है. सॉल्व करके सीधा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. तो फॉर्मूला काम क्या है? तो समझ में आ रहा है एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे एंटर करना है या कैसे कन्वर्ट करना है. उसी तरीके से एट वॉट टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड. तो 40 मैंने आंसर याद ही करवा दिया वैसे, तो फिर भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता है. वो कह रहा है टेम्परेचर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है. सॉल्व करके क्या आएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी आंसर. तो यहाँ से आंसर कैन बी कैलकुलेटेड. तो ये है आपकी थर्मोमेट्री.